नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए इंतजार खत्म हो गया है। चुनाव आयोग ने 16 मार्च को इलेक्शन का शेड्यूल जारी करने का ऐलान किया। कल 3 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। माना जा रहा है कि इस बार भी 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत 4 राज्यों के चुनावों की तारीखों का भी ऐलान करेगा। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे देश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसके बाद सरकारें नई घोषणाएं नहीं कर सकेंगी। हालांकि पहले से जारी विकास कार्यों को पूरा किया जा सकेगा। आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों को कई तरह के प्रतिबंधों का पालन करना पड़ेगा। बता दें कि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच 7 चरणों में वोटिंग किए गए थे। चुनाव के परिणाम 23 मई को घोषित किए गए थे। उस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती। कांग्रेस पार्टी महज 52 सीटें पर सिमट गई थी। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 92 सीटें मिली थी। तो यहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का विगुल बस बजने ही वाला है। कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। उसके बाद देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक दल लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इससे बीच जहां कल चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई, वहीं अब कल चुनाव का ऐलान संभव है। बिहार में नीतीश मंत्रिमंडल विस्तार कई दिनों से लटका हुआ था। अब बिहार में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो जाने जा रहा है। राजभवन में आज शाम 6:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। चर्चा है कि बीजेपी और जेडीयू से करीब 1.5 दर्जन नए मंत्री बनाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके आवास पर मुलाकात की। इसके बाद सीएम के प्रधान सचिव डॉक्टर सिद्धार्थ राजभवन पहुंचे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिन जिन विधायकों को मंत्री बनाया जाना है, उनके पास फोन भी पहुंचने लगे हैं। अब बीजेपी की सूची फाइनल हो गई है, उसमें 12 नाम हैं। वहीं जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाने वालों की पहले से ही लिस्ट तैयार है, जिसमें सुनील कुमार, लेसी सिंह, मदन सहनी, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, जमा खान, मदन साहनी और महेश्वर हजारी के नाम शामिल है। मंत्रिमंडल विस्तार में कई चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें RLJP के समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वहीं जीतनराम मांझी की पार्टी हमको भी एक मंत्री पद मिल सकता है, क्योंकि जीतनराम मांझी कई दिनों से एक मंत्री पद की डिमांड करते आ रहे हैं। तो नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार शाम 6:30 बजे होगा। आपको बता दें इसमें बीजेपी की तरफ से 12 मंत्री शपथ लेंगे। उसके साथ ही जेडीयू की तरफ से भी 9 मंत्रियों की लिस्ट तैयार है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हिंदू शरणार्थियों ने प्रदर्शन किया। इससे पहले गुरुवार को हिंदू शरणार्थियों ने सीएम केजरीवाल के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए पर बयान के बाद हिंदू शरणार्थियों ने उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस प्रदर्शन के बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने कल बताया था कि किस तरह सीएए देश के लिए खतरनाक है और कैसे इसके लागू होने से देश भर में भारी संख्या में पड़ोसी देशों से घुसपैठिए आ जाएंगे। आज गृह मंत्री ने उस पर अपना बयान दिया है। मैं इसका जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। तो आपको बता दें कि सीएए को लेकर जहां शरणार्थियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पीछे हटने से बाज नहीं आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर जवाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले केरल के पथनमथिट्टा में रैली की। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल के एंटनी जनता की सेवा करने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है। पीएम ने कहा कि केरल की राजनीति को इस तरह की ताजगी की जरूरत है। यही कारण है कि केरल के लोग भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राजनीतिक दलों का लक्ष्य केवल सत्ता हासिल करना है, ऐसे लोग कभी भी जन कल्याण के लिए काम नहीं करते। LDF और UDF यहां एक दूसरे के साथ लड़ने का नाटक करते हैं, लेकिन ये लोग दिल्ली में एक दूसरे को गले लगाते हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों ने देश को लूट लिया है। केरल के लोग इस बात को अब अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इस बार केरल में भी कमल खिलेगा। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं।
ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतमणा नानोरिल अधिगम। सीए लागू होने के बाद राजधानी लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने पर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि जुमे की नमाज पर प्रदेश भर में सतर्कता बढ़ाई गई। साथ ही राज्य में मस्जिदों के पास पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी भी असामाजिक तत्व पर नजर रखी जा रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज सुप्रीम कोर्ट ने इसका पर्दाफाश कर दिया। कैसे बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड से पैसा बनाया है। But today it has been exposed by Supreme Court that how the BJP has made money. वहीं सीए को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का बयान सामने आया। मुस्लिम समुदाय को सीए से घबराना नहीं चाहिए, हमारी कानूनी टीम अधिसूचना और उससे जुड़ी चीजों का अध्ययन कर रही है, सामने आए जल्द ही लोगों के सामने रखा जाएगा। सरकार ने लगातार आश्वासन दिया है कि यह कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करना चाहता हूं, मस्जिदों का इस्तेमाल नमाज अदा करने के लिए किया जाना चाहिए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों का भत्ता 4% बढ़ाई जाने के बाद अब अलग अलग राज्यों में भी लोकसभा चुनाव से पहले डीएई की दरों में संशोधन करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अब मोहन सरकार ने भी अपने कर्मचारियों पेंशनरों को होली गिफ्ट देते हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 4% वृद्धि की है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान किया जाएगा। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को लगी बड़ी चोट पर राज्य बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार का अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वह हमारी सीएम है और हम चाहते हैं कि वह जल्द ठीक हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वक्त तो सबसे पहले हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने स्वाभाविक जीवन शैली में लौटे और राजनीति के मैदान में आए। वो हमारे मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो उसका उनका क्विक रिकवरी हो और स्वाभाविक जीवन में वो लौट पाए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि मेडिकल रिपोर्ट में आना कि किसी ने धक्का मारा, दूसरे दिन फील्ड रिपोर्ट का चेंज होना कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि किसी ने। असम में कांग्रेस को बड़ा झटका लगने की खबर सामने आई। असम में कांग्रेस सांसद अब्दुल खालिक ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अब्दुल खालिक ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा लिखते हुए कहा कि कांग्रेस जन केंद्रित मुद्दों को नहीं उठा रही, साथ ही मौजूदा सांसद का टिकट भी काट दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की 5 महिलाएं और हिंसा के शिकार 11 पीड़ितों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वहीं संदेश खाली मामले में डॉक्टर पार्थ विश्वास ने कहा कि संदेश खाली के मुद्दे को लेकर पीड़ितों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। राष्ट्रपति ने पूरे मामले को बड़ी सहानुभूति के साथ सुना और बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि इससे मैं इस घटना से दुखी हूं कि आज 11 पीड़ित यहां आए हैं जिनमें 5 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार कराने की गारंटी लोगों ने ली है और महाराष्ट्र में 45 पार का माहौल है। उन्होंने कहा कि एनडीए के लिए
महाराष्ट्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत पीएम मोदी की होगी क्योंकि देश में उन्होंने बड़ा परिवर्तन लाया है। मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। यह महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद अब 46% की दर से भुगतान होगा। अब तक 42% था, बढ़ा हुआ भत्ता 1 मार्च से माना जाएगा। मध्यप्रदेश सरकार ने तय किया कि हमारे लिए खास करके अधिकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान जो महंगाई भत्ते की दर 42 है उसको 46% करने की हमने निर्णय किया है और ये सातवें वेतनमान के अंतर्गत 1 जुलाई 2023 से इसको मध्य प्रदेश में लागू करेंगे। आज के इस दौर में खासकर थोड़ा कठिन समय है लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने स्रोत से ये सुविधा देने का प्रयास किया है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इसमें और वृद्धि करें। मेरी अपनी ओर से सभी अधिकारी कर्मचारियों को इस वेतनमान के आधार पर महंगाई भत्ता देने की बधाई। वहीं सचिवालय में दुष्यंत चौटाला के ऑफिस के बाहर लगे उनके नाम के बोर्ड हटा दिया गया। हरियाणा सचिवालय के 5वें फ्लोर पर उनका कार्यालय था। इसके साथ ही देवेंद्र बबली के कार्यालय का बोर्ड भी हटा लिया गया। देवेंद्र बबली का कार्यालय 6वें फ्लोर पर था। मनोहर सरकार में देवेंद्र बबली पंचायती राज और ग्रामीण विकास मंत्री थे। बता दें कि जब उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तब हरियाणा सचिवालय के 5वें तले पर जेजेपी को अलॉट किया गया था। 5वें तले पर 40 नंबर कमरे में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को बैठने की जगह मिली थी। नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने से पहले बीजेपी हरियाणा में जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही थी लेकिन बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया है। वहीं इंदौर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पंकज संघवी बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं महू से विधायक रहे पूर्व कांग्रेस नेता अंतर सिंह दरबार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। दोनों नेताओं ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा और प्रदेश शासन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। निश्चित रूप से मुझे मेरे मन में महू विधानसभा का विकास अधूरा है और उसको पूरा करने के लिए चूंकि कैलाश जी को वहाँ की भौगोलिक स्थिति का पता है, मेरे अच्छे मित्र रहे हैं, तो हमारी विधायक है, इनसे सबसे मिल करके खास करके नर्मदा जी की एक योजना है जो महू के किसानों को महू की नदियों में पानी लाना है, उन सब बातों को लेकर करना है। इनका संगठन बहुत अच्छा है, उनके पास संगठन नहीं है। इस बार बूथ के चुनाव नहीं हुए और ऊपर तक चुनाव हो गए। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए की कमी करके किसानों से लेकर सभी समाज वर्गों के लोगों को जो लाभान्वित किया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं मध्य प्रदेश की ओर से कि माननीय प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करके ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसका सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत और स्वर कारवा दत्तात्रेय होसबोले ने उद्घाटन किया। आज हुई प्रतिनिधि सभा की बैठक में संघ के सर कार्यवाहक मनमोहन वैद्य ने कहा कि अब अल्पसंख्यक समाज के लोग आरएसएस के नजदीक आ रहे हैं।
क्योंकि उनमें अब डर धीरे धीरे कम हो रहा है। अल्पसंख्यकों के बीच संघ अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का 140 करोड़ का समाज हिंदू ही है, क्योंकि हम सबके पूर्वज हिंदू थे, हमारी संस्कृति एक है। अभी पूरे देश में 73,117 शाखाएं लग रही है, जबकि पिछले वर्ष 67,000 के लगभग इनकी संख्या थी। शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने से पहले तक पूरे देश में 1,00,000 शाखाएं प्रारंभ करने की योजना पर काम चल रहा है। इस दौरान अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर और सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार और अलोक कुमार उपस्थित रहे। तो आरएसएस का 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। आपको बता दें कि कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत ने शिरकत की और इसी के साथ ही दत्तात्रेय होश बोले भी इसमें शामिल हुए। और साथ ही बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि अब आरएसएस अल्पसंख्यकों के बीच भी सक्रियता बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में बैठी डर अब खत्म होने लगा है। अल्पसंख्यक भी अब मानते हैं कि बीजेपी उनके हित में काम करती है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि और हमारे पूर्वज 140 करोड़ सभी हिंदू थे, इसलिए आरएसएस अब मुस्लिमों और अल्पसंख्यकों के बीच भी अपनी सक्रियता बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। 3 दिवसीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोहन भागवत आरएसएस के सरसंचालक और कार्यवाह दत्तात्रेय होशवेल भी शामिल हुए। जोधपुर शहर में देर रात को सुरसागर इलाके में बता दें कि घटना हुई। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज में लियोपार्ड दिखाई देने पर वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। फिलहाल वन विभाग की टीम लियोपार्ड को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। इस घटना से इलाके के लोगों में काफी दहशत है। वन विभाग के मुताबिक जोधपुर के बालसमंद क्षेत्र में लियोपार्ड के फुटप्रिंट भी देखे गए। वहीं पीएम मोदी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक सार्वजनिक रैली की। रैली में पीएम मोदी ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस अभी भी तमिलनाडु को विकसित राज्य नहीं बना सकती, इंडी गठबंधन के पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में इस बार बीजेपी का प्रदर्शन डीएमके कांग्रेस के इंडी गठबंधन के अहंकार को चकनाचूर कर देगा। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां भ्रष्टाचार में लिप्त है, इनका इतिहास घोटालों और भ्रष्टाचार का है। इससे पहले महिला बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। उस दौरान की तस्वीरें अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचे और इस दौरान प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके और कांग्रेस गठबंधन पर जमकर हमला बोला। देश को तोड़ने का सपना जो देखते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों ने ऐसे लोगों को नकार दिया है। अब तमिलनाडु के लोग भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी एलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि काले धन को सफेद करने की गारंटी है इलेक्टोरल बॉन्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अचंदा नहीं वसूली है। वह अखिलेश ने विपक्ष को मिले पैसे को लेकर कहा कि विपक्ष को जो मिला वो चंदा है। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है और प्राइवेट लोगों का भी पैसा चंदे के रूप में ले रही है। हम लोग पहले से कह रहे हैं बीजेपी हटाओ नौकरी पाओ। इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेरोजगारी महंगाई व भ्रष्टाचार की जड़ में होने की वजह से 90% जनसंख्या वाले पीडीए की प्रताड़ना की भाजपा गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम को भ्रष्ट बनाने की भाजपा की गारंटी है।
इलेक्ट्रोल बॉन्ड चुनावों को अत्यधिक महंगा बनाकर ईमानदार राजनीतिकों को चुनाव में हिस्सा न ले पाने की भाजपा की गारंटी है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पैसे के बल पर समाज में सोशल मीडिया और असामाजिक तत्वों के माध्यम से साजिश करके सामाजिक सौहार्द को बिगाड़कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की भाजपा की गारंटी है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता और सामाजिक संगठनों से जुड़े नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी मुख्यालय पर हुए सदस्यता ग्रहण समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बसपा से अच्छे लाल निषाद, सपा से विधायक रह चुके मधुसूदन शर्मा, पूर्व एमएलसी श्याम सुंदर सिंह, विवेक शर्मा, ब्लॉक प्रमुख धर्मेंद्र समेत अन्य नेता बीजेपी में शामिल हुए। डिप्टी सीएम आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का राजीनामा पत्र हो गए, आदरणीय निषाद जो सामने बैठे हैं, आज इनकी ज्वाइनिंग वास्तव में अपने क्षेत्र के दिग्गज नेता है, जन नेता, कुछ लोगों को तो मैं जानता, चाहे साहू जी हों चाहे श्याम सुंदर जी का अच्छा सज्जन भी है, अच्छे लोगों में ईमानदारी में गिनती भी होती है, अच्छे प्रभावशाली और बाकी के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं प्रभावशाली लीडर। वास्तव में आपको भारतीय जनता पार्टी आने में ज्वाइन करने से भाजपा का भी लाभ होगा और आपका भी सम्मान करेगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में सभी का मैं पार्टी ज्वाइन की है। हम उनसे पूरा उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके सुख दुख उनके साथ खड़ी रहेगी और उनकी भी जिम्मेदारी है कि माननीय मोदी जी की जो विकसित भारत का संकल्प है उसके साथ जुट करके एक एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी बहुमत से 80-80 सीटें जिताने के लिए काम करते हैं। देखिए चुनाव का स्वागत भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष जनता के बीच में रहकर काम करते हैं और आप देखेंगे कि लगातार वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी 14 से लेकर अब तक सभी चुनाव में हुई है। उत्तर प्रदेश में हम 80-80 सीटें लोकसभा की जीत लोगों ने आज ज्वाइन किया। देखिए विभिन्न दलों ज्वाइन किए हैं, हम सभी का हृदय से। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV 27 न्यूज़।